हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BBA फर्स्ट सेमेस्टर में वर्ड प्रोसेसर में। आज हम वर्ड प्रोसेसर का न्यू फीचर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। सो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं आज कि हम किस तरीके से पेज ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, यानी कि हम पेज को किस स्टाइल में सेट कर सकते हैं। पेज के जनरली हम बात करें तो हम अगर पेज ओरिएंटेशन की बात करें तो हमारे जो वर्ड का होम पेज होता है, होम पेज पर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा पेज सेटअप के नाम से एक पेज लेआउट के नाम से हमारा एक आइकन अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि हम किस तरीके से हमें अपने पेज को पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप रखना है, यानी कि हमें उसको वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है। सो आइए डिस्कस करते हैं हम जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके हम पेज ओरिएंटेशन को MS वर्ड में इजीली चेंज कर सकते हैं। सो अ डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड, यानी कि पेज ओरिएंटेशन की बात करें तो यह हमें डायरेक्शन बताता है कि हम किस डायरेक्शन में अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको हम डिस्प्ले करें। इट इज वर्टिकल पेज को शो करता है एंड लैंडस्केप, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा पोर्ट्रेट, जो कि हमारे पेज को वर्टिकली शो करता है, और सेकंड वन होता है हमारा लैंडस्केप बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। अगर हम बात करें कि द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट, अगर हम बात करें हमारा पेज जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो ओरिएंटेशन सेट होता है वो अपने पेज ओरिएंटेशन के थ्रू जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन दे रखा है यानी कि पोर्ट्रेट, उसको अगर हम लैंडस्केप में चेंज करना चाहें, इट कैन बी चेंज टू लैंडस्केप, यानी कि जब हम उसे लैंडस्केप में चेंज करना चाहते हैं तो बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, तो वहाँ पर हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है जिसके थ्रू हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट में जो हमारा पोर्ट्रेट होता है उसको हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन में चेंज कर सकें। तो आइए डिस्कस करते हैं पॉइंट्स के बारे में जिनकी हेल्प से हम लैंडस्केप में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब, यानी कि हम वही प्रोसेस हमें करनी होती है कि हम जो क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, हम MS वर्ड का पेज ओपन करेंगे। जैसे ही हम पेज ओपन करते हैं तो हम देखते हैं सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब, तो होम पेज पर हमारा पेज लेआउट का टैब दे रखा होता है, उस टैब पर हम जाते हैं और उस टैब पर हम क्लिक करते हैं। देन आफ्टर क्लिकिंग वी आर गोइंग टू द सेकंड स्टेप, यानी कि हम सेकंड स्टेप पर मूव करते हैं। लोकेट द पेज सेटअप ग्रुप, उसके बाद स्टूडेंट्स हम पेज सेटअप ग्रुप पर पहुँच जाते हैं। स्टूडेंट उसके बाद हम पेज सेटअप ग्रुप पर पहुँच जाते हैं। स्टेप थ्री की अगर हम बात करें, जब हमने ये दोनों स्टेप्स अपने कर लिए, फॉलो कर लिए, सबसे पहले हमने पेज सेटअप पर पेज लेआउट पर क्लिक करा, उसके बाद हम पेज सेटअप पर जाते हैं। जैन जैसे जैसे ही हम थर्ड स्टेप पर मूव करते हैं, इन पेज सेटअप कि अपने नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप पर, तो इट डिस्प्लेस टू ऑप्शंस पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो यहाँ पर जब हम पेज सेटअप पर जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल और लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि हमारे पास पेज सेट ओरिएंटेशन में कमांड्स में हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। देन स्टेप फाइव की अगर हम बात करें तो सेलेक्ट द डिजायर्ड पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हमको एक सेलेक्ट करना होता है और हम देखते हैं हम जो अपने डिज़ायर्ड पेज पे ओरिएंटेशन लगाना चाह रहे थे, यानी कि जो हम अपने जिस पेज पर वर्क कर रहे हैं उस पे जो ओरिएंटेशन लगाना चाह रहे थे वे हमारा ओरिएंटेशन, अगर हमने लैंडस्केप सेलेक्ट करा होगा तो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में सेलेक्ट करा होगा तो पोर्ट्रेट, वे हमारा वहाँ पर अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स पेज लेआउट पेज ओरिएंटेशन में पेज लेआउट के थ्रू अपने पेज का ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले इन द सेंस वो हमें पोर्ट्रेट में डिस्प्ले होगा पेज या लैंडस्केप में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा
पेज ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं हाउ टू चेंज टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि अलाइनमेंट जनरली कि आप देखते होंगे एक तरीके से हम इसको इंडेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जनरली हम जब अपने पेज को पर कोई भी टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, टाइप करने पे हम देखते हैं स्टूडेंट वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक, तो हम जनरली कह सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा अलाइनमेंट सेट होता है वह हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट सेट होता है। अगर हमें किसी अपने पेज पर मेन टॉपिक डालना है सेंटर में तो हम उसको सेंटर अलाइनमेंट में सेट कर देते हैं ताकि वह जो हमने वर्ड लिखा है पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर टॉपिक नेम वह हमारा टाइटल जो है वह हमारा पेज के सेंटर में अप्लाई हो जाए, फिक्स हो जाए। देन अगर हम कुछ और रिपोर्ट्स या कुछ लिख रहे हैं या किसी को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें हमारा एड्रेस जो है वह लेफ्ट हैंड साइड में शो होता है। ठीक, तो सॉरी राइट हैंड साइड में शो होता है तो हम उसके लिए राइट अलाइनमेंट अपना जो है सेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हम देखें कि हम किस तरीके से अपने अलाइनमेंट को यहाँ पर एमएस वर्ड में अप्लाई करते हैं। तो यू कैन चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट इन योर डॉक्यूमेंट टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल एंड रीडेबल। यानी कि आप जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट को अपने डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं, उसको अच्छा प्रेजेंटेबल और यानी कि उसको अट्रैक्टिव और रीडेबल बनाने के लिए। सो द बेसिक स्टेप्स टू चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट आर गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिनकी हेल्प से स्टूडेंट हम टेक्स्ट अलाइनमेंट को ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए हम अपने फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो स्टेप वन में सेलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू मॉडिफाई। यानी कि आपको वह कंटेंट सेट करना है जिस पर आप जो है अलाइनमेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं। चाहे आप कोई भी अलाइनमेंट यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हो या तो वो हमारा ठीक यू कैन चेंज द तो हम वहाँ पर फर्स्ट में अपना कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम वहाँ पर मॉडिफाई करना चाह रहे हैं अलाइनमेंट की हेल्प से। सो स्टूडेंट मूव टू द सेकंड स्टेप इन होम टैब लोकेट द पैराग्राफ ग्रुप। अब हम क्या करेंगे होम टैब पर लोकेट करेंगे पैराग्राफ ग्रुप को। यानी कि जो हमारा ऊपर अलाइनमेंट का ऑप्शन दे रखा होगा एक में हमारे लेफ्ट में लाइनिंग शो हो रही होंगी, एक में हमारे सेंटर में लाइनिंग शो हो रही होंगी, एक में हमारे राइट में लाइनिंग शो हो रही होंगी। तो दीज आर द ऑप्शंस ऑफ अलाइनमेंट, ये हमारे अलाइनमेंट के ऑप्शंस होते हैं। स्टेप थ्री में अगर हम बात करें तो जो पैराग्राफ होम टैब पर हम पैराग्राफ ग्रुप देखते हैं तो वहाँ पर हमारे जो अवेलेबल होते हैं इट हैज़ फोर अलाइनमेंट, हमारे पास फोर अलाइनमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल कितने अलाइनमेंट्स होते हैं फोर अलाइनमेंट्स। उन फोर अलाइनमेंट्स की बात करें तो हमारे अलाइनमेंट लेफ्ट जो कि हमें फर्स्ट होता है हमारा अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि अलाइन द टेक्स्ट टुवर्ड लेफ्ट मार्जिन। ये हमारा क्या करता है लेफ्ट मार्जिन में हमारे टेक्स्ट को वहाँ पर डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट सेंटर अलाइनमेंट ब्रिंग्स द टेक्स्ट एट सेंटर। यानी कि हमारे जो टेक्स्ट है वह उसको सेंटर में वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अलाइन टेक्स्ट राइट अलाइन द टेक्स्ट टुवर्ड्स द राइट मार्जिन। यानी कि यह क्या करेगा हमारे टेक्स्ट को अलाइन कर देगा राइट मार्जिन पर, हमारे टेक्स्ट को यह राइट मार्जिन पर क्या कर देगा स्टूडेंट वहाँ पर अप्लाई कर देगा। और हमारा अभी तक हमने थ्री डिस्कस करे राइट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट, और जो फोर्थ हमारा होता है वह हमारा होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइनमेंट। यानी कि अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, ये हमारे टेक्स्ट को अलाइन कर देता है लेफ्ट एंड राइट मार्जिनस पर लेफ्ट एंड राइट मार्जिनस पर। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं अपने फाइनल स्टेप की, यानी कि ये तीनों अलाइनमेंट्स में से हमें जो अलाइनमेंट रिक्वायर होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट द डिजायर्ड अलाइनमेंट ऑप्शन, उसके बाद हम क्या करेंगे अलाइनमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे विद अ लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक से हम लेफ्ट क्लिक जैसे करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वह हमारा अलाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट आज जो हमने डिस्कस करा वह हमने पेज ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करा कि किस तरीके से हम अपने पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में विद द हेल्प ऑफ पेज सेटअप एंड पेज
पेज लेआउट टैब के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने पेज को या तो हम वर्टिकली अरेंज करते हैं या हम उसको हॉरिजॉन्टली जो है अरेंज करते हैं। अगर हम वर्टिकली उसको अरेंज कर रहे हैं तो हम पोर्ट्रेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर हमें हॉरिजॉन्टली अपने पेज को सेट करना है तो हम उसको क्या करेंगे, लैंडस्केप में यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमारा जो पर्टिकुलर डिज़ायर्ड पेज है, यानी कि जिस पेज पर हम वर्क कर रहे हैं, वह हमारा वहाँ पर हमारे किए हुए सिलेक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर वह सेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा आज कि किस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है उसको हम अपने जो टाइप टेक्स्ट है उसमें हम अप्लाई करके अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास, हम जनरली डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स के जो है वो अलाइनमेंट्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट अलाइनमेंट होता है स्टूडेंट्स हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब, कि हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन में अरेंज कर सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन में अरेंज कर सकते हैं। राइट, फिर होता है हमारा सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि हम अगर पर्टिकुलर कोई हमारा टॉपिक है, उसका मेन टॉपिक है, उसका हम नेम जो है वो सेंटर में डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, सेंटर में उसको वहाँ पर अवेलेबल कर देंगे। अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी कि हम अपने टेक्स्ट को राइट मार्जिन में वहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक, राइट मार्जिन में उसको हम वहाँ पर सेट कर देंगे। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो अलाइनमेंट होता है वह हम देखेंगे तो हमारा ऊपर पैराग्राफ का ऑप्शन होता है, वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा लेफ्ट लाइन में, अगर लेफ्ट साइड पर 3 लाइंस शो रही होंगी, देन एक साथ एक कॉलम बना हुआ होगा, उस पर हमारी लेफ्ट साइड में लाइंस शो रही होंगी, सेंटर में लाइंस शो रही होंगी और राइट साइड में लाइंस शो रही होंगी। तो दीज आर द ऑप्शंस ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो ये हम देखते हैं अपना फोर्थ अलाइनमेंट, तो हमारा होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसमें हम टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट मार्जिन में अपना अरेंज करते हैं। स्टेप 4 की बात करें तो हमने जो सिलेक्शन किया है इन तीनों अलाइनमेंट में से, वे हमारा सेट होकर हमारा पेज जो है हमारे किए हुए सिलेक्शन के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होने लगता है। सो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।